बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और हमने आपको बताया था कि इसका लॉन्च 14 नवंबर के लिए शेड्यूल था। अब हमें ईमेल आया है महिंद्रा से जो कंफर्म करता है कि इसका लॉन्च जो है पुश कर दिया गया है, यानी कि जो हम आप तक डिटेल प्रीव्यू लाने वाले थे गाड़ी का वो नहीं आ पाएगा। इस वजह से आज हम आपको बताएंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स जो शायद आपको नहीं पता हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हैं सारे लेटेस्ट कार बाइक के न्यूज़ रिव्यूज, यहाँ तक कि अपकमिंग जो कार्स और बाइक्स है उस पर भी हम आप तक डिटेल्स पहुँचाते हैं। और हमारे चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा डिटेल कंपैरिजन मिलेगा व्हेन कंपेयर टू एनी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट रक्षित हिरानी, आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट, हमारे एक रीडर ने हमारे साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो गाड़ी क्लियरली दिख रही है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके फ्रंट में ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेजर चेंज जो है, एक नया फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है और साथ ही साथ इसके फ्रंट बम्पर में भी माइनर चेंजेस किए हुए हैं। साइड प्रोफाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ नए एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं और रियर में आपको एक बड़ा सा सेंटर क्रोम दिखेगा। इसके अलावा ज्यादा चेंजेस विजिबल नहीं है गाड़ी में, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है। गाड़ी के डायमेंशंस वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशंस, लेंथ, हाइट वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी का मेजर चेंज जो है उसके इंटीरियर्स में है, एक्सटीरियर में ज्यादा चेंजेस नहीं किए हुए हैं। अगर आप इसके इंटीरियर्स में, सबसे मेजर अपडेट जो है वो है इसका टच स्क्रीन सिस्टम। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं। और हाँ, ये टच स्क्रीन का क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। इसमें ज्यादा करके आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी उपलब्ध कराया जाएगा और सीट्स पहले से ज्यादा वाइड हो जाएंगी, यानी कि चौड़ी हो जाएंगी, जिस वजह से वो ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी। मेजर चेंज जो है इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी का है, जो पहले से ज्यादा और अच्छा हो जाएगा और ये ज्यादा प्रीमियम फील होगा। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स शायद ज्यादा कुछ और नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का सबसे बड़ा चेंज है इसका इंजन। जो अभी की स्कॉर्पियो है वो 2.2 लीटर इंजन है और वो 120 bhp तक का पावर बनाती है। ये आती है विथ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। अब जो गाड़ी आ रही है वो होगी 140 bhp, यानी कि 20 bhp और ये गाड़ी आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें आपको मोस्टली 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, मगर उसे थोड़ा और समय लगेगा। ये ऑल न्यू गियरबॉक्स रहेगा और जो करंट स्कॉर्पियो में ऑटोमेटिक आता था, ये उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहेगा, उसका माइलेज भी बेटर रहेगा और वेट भी कम रहेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन रहेगी फॉर अ न्यू स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मेजरली कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लेकिन इसके इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। गाड़ी में आपको अभी भी 17 inch के व्हील्स मिलेंगे और ओवरऑल पैकेजिंग सिमिलर रहेगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो मैक्सिमम 10,000 से 15,000 रुपए का फर्क होएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा और ये भी आपको S10 वेरिएंट तक मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट पैकेजिंग अगर आप स्कॉर्पियो लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतरीन पावर मिलेगा और बेहतरीन माइलेज भी मिलेगा विद द 6-speed मैनुअल। ये गाड़ी की माइलेज होनी चाहिए 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर सिटी में और हाईवे पे 13 से 14 किलोमीटर मैक्सिमम होना चाहिए इसका माइलेज। वहीं पे ऑटोमेटिक के लिए बोलना थोड़ा जल्दी है, इस वजह से मैं ऑटोमेटिक के लिए नहीं बता पाऊंगा। इस गाड़ी की प्राइसिंग होनी चाहिए 10 लाख से 16 लाख एक शोरूम दिल्ली। पहले इस गाड़ी का लॉन्च था 14 नवंबर को, पर अब ये पुश हो गया है टू अ न्यू डेट। अब वो डेट हमारे साथ शेयर नहीं हुई है, महिंद्रा वो बहुत जल्द रिवील करेगा और तब हम आपको और डिटेल्स पहुंचा पाएंगे इस गाड़ी के बारे में। तो ये था आज के लिए एक क्विक वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी कमेंट्स हो आप नीचे छोड़ दीजिए, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। आप हमें फॉलो कीजिए
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे हम आपको और सारी चीजें पहुंचा सकते हैं जो वीडियोस फ्यूचर में आ रहे हैं या कुछ और आपको चीजें जाननी है, तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ज्यादा बेटर प्लेस है फॉर इंटरैक्शन। ये स्टोरी के बारे में अगर आपको और जानना है इन डेप्थ, यानी कि इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस है, क्या फीचर्स है, क्या वेरिएंट्स है, तो नीचे मैंने एक लिंक छोड़ा है motoroctane.com का, वहां पे भी जाइए और आपको स्टोरी की सारी डिटेल्स मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगे और शायद आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अगर आप फिर भी खुश नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं यूट्यूब पे या फिर motoroctane.com पे, और हम उनके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों।